नमस्ते वेरी गुड इवनिंग मैं हूं ज्योति बुदिया और एज़ यूजुअल फ्री फ्राइडे इवनिंग 5 पीएम मार्केट राउंड अप फर्स्ट लेते हैं आज ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगेन ये फुल वीक जो था ना बिल्कुल अगेन एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे और अच्छा खासा अगर निफ्टी भी देखें तो अच्छा खासा मतलब हम जो देख रहे थे मूवमेंट था वॉलेटाइल मूवमेंट था सब कुछ लेकिन कहीं भी एक दिन भी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं आई है कि आज ये गिरेगा या बढ़ेगा हम ओपनिंग से ही इंतज़ार करते हैं आज क्या होगा क्या होगा और फुल डे सस्पेंस अचानक से कुछ भी हो जाता है और बाद में सब हमारा प्लानिंग जो है सोचना जो है खराब हो जाता है एम आई राइट ऐसा ही हुआ है ना सबके साथ में यस yes? ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ नहीं हुआ है जी बिल्कुल थोड़ा बहुत तो मेरे साथ भी हुआ है बट स्टॉप लॉसेस ने मुझे बचाया भी है और होल्डिंग ऑन टू द प्रॉफिट्स ने अच्छा फ़ायदा भी दिया है तो हम दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं दोनों तरफ देखते हैं अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बुलिश या बेरिश इस तरह का मार्केट सोचना नहीं चाहिए जिस तरफ ट्रेंड है उसी तरफ हम ट्रेड करें तो अगर बेरिश ट्रेंड है तो शॉर्ट करके खरीद सकते हैं अगर बुलिश ट्रेंड है तो बाय करके खरीद सकते हैं आज जो सबसे बड़ी बात सबको आज जो परेशान कर रही थी सिर्फ आज ही नहीं ये हफ्ते में भी ऐसा एक दिन और भी हुआ है जहां पे पीएसयू बहुत जोर से गिरे हैं सारे पीएसयू यू स्टॉक्स इतने जोर से गिरे हैं कि सबको तकलीफ होने लग गई आज कुछ स्टॉक्स ने तो इवन एफ में दस परसेंट तक की फर्स्ट लोअर सर्किट भी लगा दी ऐसी सिचुएशन में ये अचानक से जो हुआ तो फ्रेंड्स उनमें से एक स्टॉक जो है मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ पी तो पी में क्या हुआ है इसमें हम देखें तो मार्केट आज ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है गैप डाउन ओपन हाई और उसके पहला क्या बना हुआ है ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक नेगेटिव सिग्नल है अगर नाम नहीं मालूम है कोई बात नहीं लेकिन शेप अगर हम देखें तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है बिकॉज इट इज इवनिंग स्टार बोल दो इवनिंग दो जी स्टार बोल दो कुछ भी बोल दो बट इट इज़ अ नेगेटिव सिग्नल और उसके बाद उसका लो तोड़ती है इसका मतलब वीक है और ओपन हाई गैप अप ओपन हाई गैप डाउन ओपन हाई प्लस शॉर्ट बिल्डअप एफ ओ में और अगर वहीं पे मुझे 470 के आसपास हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है तो ये सारे सिग्नल्स मुझे ये कहते हैं कि यहाँ बाई तो नहीं है और अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके वापस नीचे में बाय कर सकती हूँ लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता या बोल सकता कि ये एल लगाएगा कि क्या होगा कितना बड़ा फॉल आएगा इट इज नॉट सो ईजी टू टेल हम स्टेप बाई स्टेप जा सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम एक काम और कर सकते हैं वो ये है इनको ढूंढने के लिए सबसे पहली बात हमें यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी से क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स आज सबकी क्यूरियोसिटी और जो मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं उसमें सबसे ये आज पीएसयू स्टॉक्स को क्या हुआ भाई ऐसा है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ प्रॉफिट बुकिंग आई सेल ऑफ आया आई डोंट नो बट एक चीज़ जो हमें सावधान कर रही थी वो ये है कि यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था और बन ही रहा था और उसके साथ में जब ये सिनेरियो मिला प्लस 474 एटी के आसपास मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मिला शॉर्ट बिल्डअप आज साथ में मिल गया तो मुझे ये लगने लगा कि मार्केट गिर सकता है अभी कितना गिरेगा क्या गिरेगा तो उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं यस क्या कर सकते हैं हम एक फिबना की रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं जब बड़ी फॉल आती है तो हम इस तरह से बॉटम से लेके कर यहाँ तक का एक फिब रिट्रेसमेंट ले सकते हैं तो क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से गिरी अच्छा अगर यहाँ से नहीं करना है मुझे तो मान लो मैं पहला ट्राई मारती हूँ तो पहला ट्राई जो यहाँ का बॉटम है तो क्या देख रही हूँ मैं इसी बॉटम से अगर वापस ये टॉप लेके जा रही हूँ चलिए फिर से ड्रॉ कर देते हैं जिससे आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए फिब रिट्रेसमेंट ये बॉटम लिया और ये टॉप लिया अगर देखेंगे तो प्राइस कहाँ से घूमी है बिल्कुल आपकी नजर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए प्राइस जो है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई खाली रिट्रेसमेंट फिगर देखने के लिए देखिए प्राइस ये जो है पॉइंट सिक्स वन एट मतलब सिक्सटी वन पॉइंट एट अब इसी को मैं अगर नॉर्मल बता कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा ये पॉइंट सिक्स वन एट यहाँ से घूमी है प्राइस एग्जैक्ट उसको टच करके है राइट और यहीं से जो ये घूमा है अब इसी को अगर मैं बड़े स्केल पे ले जाऊं तो ट्वेंटी थ्री परसेंट के आसपास से घूमी है ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये क्या होता है ये जनरली क्या होता है मार्केट अगर ट्रेंड में जाता है तो हमने देखा है कि मार्केट ऐसे चलता है फिर ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, है फिर ऐसे जाता है तो ये जो करेक्शन पीरियड्स होते हैं जो मार्केट में डाउन आके और ये जो करेक्शन पीरियड होते हैं ये ये कितना होगा ये इस लेवल का ये जो लेवल है मतलब वन ये टू ये दो लेवल का ये कितना रिट्रेस करेगा ट्वेंटी थ्री परसेंट मतलब अगर वो डिफ्रेंस लेटर से पचास रुपया है तो पचास रुपये का ट्वेंटी थ्री परसेंट थर्टी एट परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट वह जो फिबना की लेवल्स हैं उस तरह से इसने रिट्रेस किया है और मैंने क्या किया अगर यहाँ से लेती हूँ और यहाँ तक तो 23% परसेंट आता है और अगर मैं यहाँ से नहीं लेके जो प्रीवियस बॉटम है वो लेती हूँ तो कितना परसेंटेज आता है 61.8 मतलब हर तरह से मुझे यहाँ पे एक अगर बड़े जोन का लेती हूँ तो सिक्स बीफ रिट्रेसमेंट आता है सपोर्ट आता है वहाँ पे रिट्रेसमेंट का और छोटा लेवल भी ले रही हूँ तो रिट्रेसमेंट आता है उसी लेवल पे परसेंटेज चेंज हो सकता है लेकिन इस पॉइंट अगर दो तीन जगह से सपोर्ट बनता है तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है इसीलिए यहाँ पर आके ये एक सपोर्ट लेकर प्राइस थोड़ा घुमा ये एक सबसे बड़ी बात थी इसीलिए जब मुझसे कोई आज पूछ रहा था तो मैं ये नहीं बता पा रही थी कि गिरा क्यों रीज़न तो कोई नहीं जानता कि मार्केट अचानक से ही जब गिरता है बट जो स्टडी बता रही थी वो ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज हो सकती है तो जब हम ये प्रोबेबिलिटीज लेके रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं साथ में एक लोअर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे और वहां पे हम क्या देखेंगे कि एम ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है तो हमें यहाँ पर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस भी मिल गया प्लस एमएसईडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया प्लस एमएसईडी पूरा नेगेटिव जोन में भी आ गया ये देखिए नेगेटिव डाइवर्जेंस मार्केट ने कहीं भी क्रॉस नहीं किया ये भी नेगेटिव डाइवर्जेंस ये सब आपको बता रहा है और नेगेटिव क्रॉसओवर तो ये स्टॉक का मॉर्निंग में ही जब मुझे ओपन हाई मिला वहीं से ही अगर इसको मैं होल्ड करती या इसका पुट ऑप्शन ले लेती मतलब शॉर्ट की होल्ड करती या पुट ऑप्शन ले लेती डेफिनेटली मुझे भी नहीं मालूम था कि टेन परसेंट गिर जाएगा लेकिन हम लोग ये सोचते हैं लॉट साइज बढ़ी है दो पाँच रुपये भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है सो so, इसी तरह से हम सोच के चलते हैं और इसी तरह से हम काम करते हैं तो ये बेसिकली एक पीएसयू स्टॉक्स के कारण आज थोड़ा सा मार्केट जो है हमें नेगेटिव ट्रैक में मिला मतलब पीएसयू यू स्टॉक्स नेगेटिव में मिले तो यहाँ पे ऑयल में अगर हम देखें मैं डायरेक्टली इंडेक्स से इसलिए नहीं स्टार्ट कर रही बिकॉज इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव जोन में था मतलब निफ्टी पॉजिटिव थी बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी सुबह इन सब निफ्टी नेगेटिव थी लेकिन बाद में पॉजिटिव हो गई लेकिन ये देखिए ऑयल सेक्टर ऑयल सेक्टर का अगेन ओपन और हाई पूरा ऑयल सेक्टर तो हमारे पास क्या हुआ सारे आज ऑयल सेक्टर्स अगर देखा जाए तो आई ओएनजीसी सब अगर देखें साथ में इसी के साथ हम देख लेते हैं तो मैंने पहले भी एक दो बार बताया है इंडेक्स में जो स्ट्रक्चर बनता है वैसा का वैसा का स्ट्रक्चर अगर उसके उसके स्टॉक में में बनता बनता है है उससे भी उनको जो फॉलो करते हैं वो वाले स्टॉक्स तो उनकी तरफ नजर डालिए आपको उस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा नहीं। नहीं। लेकिन एक्चुअली आज हुआ क्या आज सबका ध्यान इंक्लूडिंग मेरा भी काफी हद तक ध्यान जो था वो प्रॉफिट बुकिंग में चला गया और पोजीशंस को बचाने में चला गया ना कि इस फॉल पे गया क्यों क्योंकि सब लोग अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे थे सबसे बड़ी बात है कि लॉस नहीं हुआ पोजीशन से एग्जिट हो गए प्रॉफिट्स बुक किया ये टाइम होता है अगर आपके पास शेयर है तो एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और जब करेक्शन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे भी देखिए हम इस स्टॉक का ये फिब, देखते फिब लेवल तो क्या देखते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो अगेन इसका फिब लेवल ये फिब लेवल अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है क्लियर यहाँ पे ट्वेंटी थ्री थर्टी एट के आसपास अगर ये और नीचे उतरता है तो हम और बेरिश हो जाएंगे तो दीज आर कॉल्ड सपोर्ट लेवल्स एंड सपोर्ट ज़ोन्स फिर उसके साथ में जैसे जैसे वो लेवल्स उतरते हैं तो सब आपने सुना भी होगा कई बार कहते हैं ना कि ये लेवल तोड़ा तो ये लेवल ये लेवल तोड़ा तो ये लेवल ये लेवल तोड़ा तो ये लेवल तो इस तरह से सपोर्ट्स बनते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो एक के बाद एक एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ना सीढ़ियाँ उतरना यही तो चलता रहता है अब वापस हम जैसे ऑयल सेक्टर में जाते हैं तो ऑयल सेक्टर का ये स्टाइल बना उसी के साथ ओ एन जी सी भी देख लेते हैं क्या उसमें भी ऐसा ही स्टाइल बना है देखिए बिल्कुल राइट उसमें भी वैसा ही स्टाइल बना है आर एस आई अभी भी सेवेंटी के ऊपर है एम एस सी डी अभी भी पॉजिटिव जोन में है बट <coughs> ये बना तो है ना अब आते हैं बी पी सी एल ऑलमोस्ट स्टार्टिंग वैसा ही हुआ लेकिन ये भी सेवनटी के ऊपर है ये भी पॉजिटिव जोन में है उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम सेम स्ट्रक्चर तो आर एस आई सेवेंटी के नीचे आ गया बिल्कुल और सेम स्ट्रक्चर सी कंप्लीटली ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर पे सब चल रहे हैं फिर आते हैं एनर्जी पे <coughs> एनर्जी में भी उसी तरह का और सेम स्ट्रक्चर्स जिस जिस एनर्जी स्टॉक्स में बने हैं हम उन्हें देख सकते हैं फिर हमारे पास कमोडिटीज हैं इसमें देखिए सेम ओपन हाई और आर एस आई सेवेंटी के नीचे फिर आते हैं आई टी आई टी में ओपन हाई नहीं है तो इसलिए आपको शायद कुछ स्टॉक्स में ओपन हाई नहीं मिला होगा लेट्स सी सेम पैटर्न टेक महिंद्रा सेम पैटर्न ओपन हाई नहीं है इन्फोसिस तो इस तरह से हमें पता चलता रहता है कि हमको कौन से स्टॉक में आज कौन से साइड में काम करना है थोड़ी बहुत आइडिया हमें सुबह से आ जाती है आज अगर देखा जाए तो पूरा प्राइवेट बैंक्स ऊपर थे तो अगर प्राइवेट बैंक्स ऊपर थे जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन था और करेक्शंस होके प्राइवेट बैंक्स में मुझे क्या दिख रहा है ये प्राइसेस मेकिंग लोअर लो आरएसआई नॉट मेकिंग लोअर लो दैट मींस इट्स गिविंग मी अ पॉजिटिव डायवर्जेंस राइट लेकिन एमएसीडी जो है वो अभी भी नेगेटिव जोन में है एमएसीडी जब नेगेटिव जोन में है तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकती जो बैंक्स अगर बुलिश है भी तो भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकती अब प्राइवेट बैंक्स है इसलिए अब पीएसयू बैंक का देखें क्या हाल है <coughs> पीएसयू बैंक्स फुल मजबूत आरएसआई एस आई सेवेंटी एम पॉजिटिव तो पीएसयू बैंक लेटस जो कुछ बैंक्स आज रॉकिंग सेम स्ट्रक्चर रॉकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जा रहा है अबाउट सेवेंटी पॉजिटिव राइट उसके बाद कैन बैंक है पूरा पॉजिटिव नहीं गया तो इसने ओपन लो नहीं दिया तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे ओके okay? और पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी नहीं दिया क्यों कैसे पता यहां कल का लो तोड़ा है और स्टेट बैंक में अगर मैं देखूं तो स्टेट बैंक में देखिए कल का लो नहीं तोड़ा ना स्टेट बैंक ने लेकिन कैन और कल का हाई तोड़ दिया है प्रीवियस डे का हाई टूट गया लो नहीं तोड़ा और यही चीज जब मैं कैन बैंक में आती हूँ तो सॉरी यहाँ पे टूट गया येस्टरडे का लो अब इसको इंट्राडे में मुझे देखना है कि क्या कल इसने ओपनिंग में ही तोड़ दिया आज इसका कल का लो तो वो देखते हैं कल का लो था 569 15 मिनट्स में जाके देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं ये ओपनिंग से ही गिरना जो शुरू किया इसने पकड़ा ही नहीं लो तोड़ दिया दैट मीन्स मैं आज इसमें ट्रेड नहीं कर सकती ओके तो इसी तरह से हम जिस जिस स्टॉक में हाथ डालें उसमें देख सकते हैं अभी हेल्थ इंडेक्स है तो आप देखेंगे आज जो था हेल्थ इंडेक्स पॉजिटिव है अब इसी के साथ अगर मैं कहूं कि सन फार्मा स्ट्रक्चर ओपन लो के पास में है फिफ्टीन हंड्रेड पॉइंट नाइन जीरो एग्जैक्ट नहीं है आठ रुपए का फर्क है आर एस आई सेवेंटी और अपना एमएसईडी पॉजिटिव जोन सेकेंड अपोलो हॉस्पिटल इसने भी सेवेंटी के ऊपर ले लिया अभी तक पॉजिटिव जोन में है बट एक चीज़ की और नज़र रखिएगा पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर की तैयारी है मैंने जो एम का एक यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स में जो डाला है थ्री इंडिकेटर्स उसमें देखिए मैंने ये एम का और एक मैंने और बनाया था आर एस आई विथ ऐसे करके मैंने दो वीडियो डाले हुए हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे लिखेंगे अगेन दो सैटरडे हैं मैं इन दोनों सैटरडेज में मतलब सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी है मैं रिकॉर्डिंग करूँगी लास्ट टाइम जो आपकी रिक्वेस्ट की थी उसमें से मैंने काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं जो भी एडिटिंग और प्रोसेस में चालू है धीरे धीरे सब अपलोड होते रहेंगे और भी आप अपने डिमांड रखिए मैं उसे पूरा करूँगी कौन से टॉपिक पे ऑप्शन चेन है ओपन इंटरेस्ट है स्ट्रेटजीज है अपने चार्ट्स है चार्ट पैटर्न्स है इंडिकेटर्स है जिस पे भी आप मेरे पास डिमांड रखेंगे मैं उन्हें बनाने की फुल कोशिश करूँगी बट उसके लिए आपको ये जो भी वीडियो आप देखो उस वीडियो को लाइक करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि मैक्सिमम लाइक्स कौन से टॉपिक पे आएंगे तो मैं उसी का एक और काम करूँगी आपके लिए एक एडवांस वर्जन भी लाऊंगी और साथ में मैं मंथ में एक ट्यूसडे लाइव करने की भी कोशिश करती हूँ जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ तो उसमें भी मैं एडवांस वर्जन सिखाऊंगी आपको जिससे आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हो चैट के थ्रू कि आपको कौन सी चीज़ में क्या क्वेरी है तो मुझे बताइए कि देखिए ऐसे तो आप और हम बातें कर नहीं सकते मैं ही कहूँगी और आप ही सुनिएगा क्योंकि वैसे भी कभी किसी लेडी के सामने बोलने की हिम्मत तो सबकी होती नहीं है ना तो इसलिए जब वो बोलती है तो कोई बोल नहीं सकता तो मैं बोल रही हूँ आप सुनिए और आप कमेंट बॉक्स में ही डाल सकते हैं इशारे से ही बता सकते हैं कि भाई हमको ये वीडियो पसंद है आप इसी का एडवांस वर्जन लेके के आइए ओके फ्रेंड्स यस मैम आपके व्यूअर्स और लर्नर्स सबकी रिक्वेस्ट भी आने लग गई है और सबका वही था है कि आज का मार्केट काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है सबके लिए एंड काफ़ी सारी अलग अलग रिक्वेस्ट है कि पहली एक रिक्वेस्ट है यश जैन की कि बेसिक ऑप्शन स्ट्रेडिंग का कोर्स है है आपका उसका एक थोड़ा एडवांस वर्जन मिल सकता ऑप्शन कैसे कर सकते हैं जी बिल्कुल बनाएंगे एडवांस वर्जन उसमें वैसे मैं आपको हिंट दे दूं जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पीएफसी में जो मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट क्योंकि हमारे पास क्या होता है एडवांस वर्जन में आ जाता है डेटा रीडिंग डेटा रीडिंग को अगर हम समझ लेते हैं कि आज शॉर्ट बिल्टअप था कि लॉन्ग बिल्टअप था शॉर्ट बिल्डअप के साथ में अगर मेरे पास हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी वहीं पे है दैट मींस इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और वहाँ पर अगर मुझे ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है तो आई कैन बाय अ पुट सो दिस इज़ द वे एंड आई विल कम आउट विथ मोर डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक विथ सम एडवांस वर्जन्स तो हमने मैं टीम को इंस्ट्रक्ट कर दूंगी वो मेरे लिए पूरा इसकी शूट तैयार कर देंगे ओके मैम मैं वर्क कर दूंगी यस yes, मैम uh, एक व्यूअर का रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करें प्रॉपरली क्योंकि एक एग्जांपल के साथ बताइए क्योंकि मेरा काफ़ी पैसा लूज़ हो जाता है स्टॉप लॉस लगाने में क्योंकि वो हर बार हिट हो जाता है या फिर एस एवरेजिंग में लग जाता है या नो no एस की वजह से लग जाता है तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखिए ऐसा है अगर ऑप्शंस के अंदर आपको स्टॉप लॉस और इसकी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा उसमें ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो की तैयारी कर ली है और वो वीडियो मेरा जल्दी शूट होने वाला है और बहुत जल्द रिलीज़ होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पेंडिंग्स पड़े हैं जो एडिट होके तैयार हैं आपके लिए और आने की तैयारी में है और ये ऑप्शंस के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट ऑप्शन चेंज से ही हम निकाल सकते हैं और उसके ऊपर मैंने वीडियो की पूरी तैयारी कर ली है आपको फटाफट बना के दे दूंगी अब इसमें मान लो सपोज करो हमने ये एक कोई भी स्टॉक लिया जैसे आज मैं पीएफसी की बात करती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था सेक्टर के हिसाब से भी वो वीक था राइट और प्लस नेगेटिव साइन था मान लो मैंने ओपन और हाई देख के शॉर्ट कर दिया मैंने क्या देखा शॉर्ट बिल्डर ओपन हाई प्लस हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट उसके बेस पे मैंने इसे शॉर्ट कर दिया तो सबसे पहला मेरे दो वैरायटी के स्टॉप लॉस होते हैं इसको इंट्राडे के हिसाब से दो वेराइटी के स्टॉप लॉस होंगे एक कल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगता है और दूसरा आज के हाई के ऊपर भी लगता है तो आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है अब यहाँ पे तो क्या है कि कल का कैंडल बहुत छोटा सा है तो हम उतना रिस्क सपोज ले सकते हैं लेकिन मान लो अगर ये कैंडल है या सपोज करो ये कोई बड़ा कैंडल लेते हैं हम लेट से यहाँ पे हमने कोई शॉर्ट किया और इसके ऊपर का ऐसे लगाया तो यहाँ भी नज़दीक है कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं फिर हमें बहुत तकलीफ होती है गैप डाउन या गैप अप की वजह से मैं इसे आपको सबसे स्ट्रांग काउंटर दिखाती हूँ जिसमें ये रिस्क पॉसिबल है और जब ऐसी रिस्क आती है तो बड़ी ख़तरनाक होती है तो लेटर से यहाँ पर तो सब छोटे ही है चलिए ये ओपन और हाई देख के आपने काम किया अब इसका एस एल लगेगा इसके ऊपर इसके ऊपर का मतलब होता है 48, 381, तो मतलब समझो के ऊपर आपने एस एल लगा दिया और आपने बेचा फोर एट फोर्टी एट थाउजेंड पे मतलब करीब करीब चार सौ से 500 सौ पॉइंट का आपका एस एल हो जाता है तो इतना बड़ा एस एल लगाना नॉट अब वैसे ही मान लो मैंने ये यहाँ पर एक प्रीवियस डे का लो है मैंने हाथ से ये छूट गया मैंने यहाँ पे खरीदा होगा तो मेरा स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे या अगर ये ओपन लो है तो इसके नीचे दोनों में से कोई भी एक स्टॉप लॉस मुझे लगाना पड़ेगा ज्यादा कन्विक्शन वाला ये है ये कम कन्विक्शन वाला है बट इसमें रिस्क ज्यादा है अब जहाँ तक स्टॉप लॉस का सवाल है फ्रेंड्स मैं आपको एक स्टॉक आज बताती हूँ कि मेरा एक स्टॉप लॉस आज हिट हुआ और वो हिट होते ही मैंने उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया वो था जीएमडीसी। उसका स्टॉप लॉस हिट होते ही मैंने स्टॉप लॉस हिट कर दिया मैं जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है ना, एक सेकेंड नहीं सोचती हूँ पोजिशन काट देती हूँ उसके बाद और ये चीज़ मैंने कट की कभी सुबह सुबह कट कर उसके बाद जब रिजल्ट आया तीन सवा तीन साढ़े तीन मतलब आफ्टर टू थर्टी थ्री ओ क्लॉक वो स्टॉक चार सौ साठ जो मेरा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया उसके बाद ये फोर ट्वेंटी फाइव तक चला गया अगर मैं उसका वेट करती डे एंड तक तब तो, तो बड़ा पैसा लग जाता स्टॉप लॉस हिट मतलब हिट एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा दो बार होगा तीन बार होगा हाँ कोई कोई ऐसा मंथ होता है कि जहाँ पे आपका रेगुलर स्टॉप लॉस हिट होता है जैसे ये महीना बहुत वॉलोटाइल है तो आपके स्टॉप लॉस हिट हुएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं आया होगा प्रॉफिट भी आया होगा लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब प्रॉफिट आ रहा होता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल चुका रहता है और हम उसे जल्दी से बुक कर लेते हैं होल्डिंग पावर जो है वो हमारी खत्म सी हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें लॉस दिखता है प्रॉफिट नहीं दिखता है आधे ट्रेड तो हम छोड़ भी देते हैं नहीं भाई भले ही ट्रेड बन रहा है लेकिन मैं नहीं करूँगा क्यों क्योंकि इस महीना मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहा है फिर जो ट्रेड हम छोड़ देते हैं ना वही भाग जाता है वही अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला होता है तो ये जो कुछ डिसिप्लिन और कुछ रूल सेट ऑफ रूल्स है ना वो बनाने ही पड़ेंगे अगर बार बार एस हिट होता है देखिए अगर आपके दस ट्रेड में से तीन ट्रेड चार ट्रेड का एस हिट होता है छोटे एस एल है अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है होता ही है आप और मैं हंड्रेड परसेंट राइट हो ही नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते इसका एक मैं एग्जाम्पल आपके साथ आप लोग को बताना चाहती हूँ मुझे एक चीज बताइए क्या हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करेंगे इसकी क्या गारंटी है पहली बात दूसरी बात कल ऐसा होगा मैं मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ रियल लाइफ की हमने कोई प्लानिंग की है हमारी लाइफ में कि कल हम ये करेंगे क्या ये जरूरी है गारंटी ले सकते हैं कि कल हम वो ही करेंगे जो हमने डिसाइड किया है हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो जाए कुछ भी हो सकता है ना तो जब हम हमारा खुद का कमिटमेंट जो होता है कई बार वो फुलफिल नहीं कर पाते या हमारी जो हम प्लानिंग है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते फॉर व्हाट्स एवर रीजन तो मार्केट जो कि ऑटोमेटिकली इतना वॉलडाइल है उसकी गारंटी लेके हम 100% परसेंट तो बन ही नहीं सकते हाँ अगर हम 60% परसेंट भी राइट हैं और वो जो 60% परसेंट राइट है दैट वी आर राइट बात वो है मैं भले ही फोर्टी टाइम्स रॉन्ग हो जाऊँ लेकिन जो सिक्सटी टाइम्स राइट होती हूँ ना वो टाइम जो है मेरा होल्डिंग पावर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जो मेरा वो फोर्टी का तो लॉस रिकवर करे ही करे और उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दे के जाए इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूंगी कि बारह महीने मेरे प्रॉफिट नहीं आएंगे हो सकता है कि मेरा साल में एक दो महीना खराब हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा राइट right? तो इतना तो थोड़ा बहुत तो कमाना ही पड़ेगा ना यस सो डू वी हैव एनी स्टॉक्स पे आगे बढ़ने से पहले आ, मैं वो बोलना चाहूंगा कि आपने जिस भी व्यूअर का भी जस्ट स्टॉप लॉस वाला डाउट सॉल्व किया उनका भी मैसेज आ गया कि थैंक यू सो मच मैम आपके पढ़ाना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी कनेक्टेड फील लगता है मतलब बाकी क्रिएटर्स के सामने और थैंक यू मैम एक और जन का आया कि ये बहुत प्यार से समझाते हो आप थैंक यू फ्रेंड्स तो मैम मूविंग ऑन टू स्टॉक्स यश जी इनका रिक्वेस्ट है अशोक लेलैंड पे चाहिए उन्हें व्यू जैसा हमने बात किया था अशोक लेलैंड अब देखिए एक सिंपल सी बात लेते हैं इस दिन अशोक लेलैंड कितना गैप अप खुला था कितना बंद हुआ ये 179 उसके प्रीवियस डे मैं इसे और बड़ा कर देती हूँ और थोड़ा और इसकी फ़ॉन्ट भी बढ़ा देती हूँ जिससे आप लोग को ठीक से दिखे ओके आई होप अभी ये ठीक से सबको दिख रहा होगा बड़ा राइट right. तो यहां पर देखिएगा ओपन हाई लो और क्लोज ओके यहां पे क्लोज कितना हुआ फिफ्थ फेब को क्लोज हुआ 179.25 ओपन कितने पे हुआ 186.85 गैप अप ओपन हाई अब मैंने ये छोड़ दिया सपोज हो हो जाता है आप और मैं हम लोग ऐसे तो नहीं कि मतलब एग्जैक्ट साढ़े तीन के बाद तो सबको पता होता है कि आज ये करना चाहिए था सो टू बी वेरी प्रैक्टिकल नहीं पता होता है छूट जाता है तो छूट जाता है अब मान लो सेकेंड डे भी ये ओपन हाई हो गया और इसको अगर मैं बेचना चाहूँ तो मेरा स्टॉप लॉस या तो इसका हाई होगा तो इसका ओपन है वन एटी टू नाइन्टी फाइव ये वन एटी टू नाइन्टी फाइव में नहीं बिका होगा ये वन एटी के आसपास ही बिका होगा उससे नीचे ही बिका होगा उससे ऊपर नहीं बिका होगा Why? Because जब exact पैसे to पैसे का फर्क होता है ना sorry same होता है 182.95 मतलब वो फट से नीचे गिरता है अगर वहाँ पे थोड़ा भी डिफरेंस होता है ना तो चांस मिल जाता है एक बार बेचने का लेकिन एग्जैक्ट होता है ना तो जल्दी से वो हमारे हाथ में वो चांस नहीं आता है आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ टॉप पे हमसे बिकता नहीं है बाय होता ही है सब मैक्सिमम लोगों के यही आता है कि टॉप पे बाय हो गया बॉटम सेल हो गया और हमने लेने के बाद तो पाँच पैसा भी ऊपर नहीं गया और कुछ तरह से बोलते हमारे बेचने के बाद बस वहीं से वो ऊपर घूम गया तो ये तो कहानी हर ट्रेडर ट्रेडर की है इसलिए तो यहाँ पे दो वैरायटी के स्टॉप लॉस हो सकते हैं एक तो इसके ऊपर और दूसरा अगर मैं यहाँ पे लूँ तो कितना बड़ा हो जाएगा ना ये जो चीज़ थी वो मैं दिखाना चाहती कि प्रीवियस डे का हाई कभी कभी इतना बड़ा हो तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे अब ये जो है कंटिन्यू फॉल आ रहा है और आर भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है 50 के नीचे आ गया डेली में एम की सिग्नल लाइन अभी तक पॉजिटिव की तरफ है ये इसको अगर क्रॉस कर देगी ज़ीरो के नीचे आ जाएगी तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अब इसमें अगर मैं सुपर ट्रेंड लगा के एक बार देखना चाहती हूँ तो देखिए सुपर ट्रेंड मुझे यहीं पे सिग्नल दे दिया था कि इट कैन फॉल और ये कंटिन्यू यहाँ से फॉल ले रहा है तो मतलब अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो जो मैंने आपको मेरे थ्री इंडिकेटर्स है उसमें यही बताया कि अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़े से बेटर सिग्नल मिल जाते हैं मैं इतना नहीं कहती हूँ कि मुझे बेस्ट आई एम द बेस्ट या बेस्ट मुझे मिल जाएगा थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा और हम उसी के लिए तो स्ट्रगल करते कि थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा हमारा लॉस कम हो जाए हम आगे निकल जाए इतनी ही तो छोटी अपने सपने होते हैं कि हम डेली कुछ पैसा घर ले जाए मंथली कुछ पैसा घर ले जाए ठीक है तो अगर इसे देखें तो अभी तक ये देखिए एवरी डे कंटिन्यू ओपन हाई बनाते जा रहा है लेकिन एंड में देखेंगे तो ये पूरा कवर करके जाता है अगर मंडे को बाय एनी चांस ये ओपन लो मिल जाता है और एवरीथिंग बिकम्स पॉजिटिव आर एस आई एम एस सी डी एवरीथिंग

तो सेम चीज कल ओपन हाई आज अब ये वाले ओपन हाई एग्जैक्ट पैसा टू पैसा है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अशोक लेलैंड का एग्जाम्पल देखिए कि एग्जैक्ट पैसा टू पैसा है तो पॉसिबल है कि हमें बेचने का चांस नहीं मिला होगा ओपन हाई पे लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ओपन हाई इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन हाई की 292.60 और हाई है 293.30 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 पैसे का डिफरेंस है जो कि लेस देन हाफ परसेंट है ये इसमें चांस अगर सुबह सुबह देख लिया तो मिल सकता है और स्टॉप लॉस यहाँ रखें या इसके हाई के ऊपर रखें वो चॉइस अपने ऊपर है एज़ पर अवर पॉकेट और आज ही इसने पैसा दिया है लेकिन अगर देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स ने जा आज सारा कुछ कवर किया है अब इसमें मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहती हूँ और लेट्स सी थोड़ा कंप्रेस करते हैं क्या देखते हैं एम एस सी डी अभी भी नेगेटिव जोन में ही है पॉजिटिव जोन में नहीं आया है दूसरा पंद्रह मिनट में भी आर एस आई पॉजिटिव जोन में अभी तक नहीं आया है तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगी ऐसी सिचुएशन में मैं देखूँगी कि इसने पूरा कवर तो किया है लेकिन क्या फिब ने मुझे रिट्रेस में क्या बोला है ओ थर्टी एट पॉइंट टू इसके ऊपर तो क्लोज नहीं दिया है मतलब मार्केट ने कवर किया है लेकिन कोई बहुत अच्छे से ये नहीं है एक चीज़ और बताती हूँ अगर फुल बैक आ रहा है ये तो बाइंग आनी होती है ना तो आर एस आई पंद्रह मिनट में क्लोजिंग पर सत्तर के ऊपर होता है जो कि यार नहीं दिख रहा है अगर क्लोजिंग में सत्तर के ऊपर दिखता है तो नेक्स्ट डे पॉसिबल है कि वो आपको रिटर्न कुछ एक्स्ट्रा दी जाए पॉसिबल है गारंटेड नहीं है तो लेटेस ही अगर क्या ये चीज़ दिख रही है कहीं पे तो मैं आपको दिखा दूं अगर दिख रही हो तो कि 70 के ऊपर बंद हो और फिर मैं आपको बताऊं ऐसा मैं देख रही हूं अगर कुछ दिख जाए तो मैं चलिए कोई चीज सामने आएगी तब मैं आपको बताऊंगी ठीक है नेक्स्ट डू वी हैव अनदर यस मैम यस मैम वी हैव मेनी स्टॉक्स एक्चुअली दैट्स व्हाई बताइए मैम नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है एशियन पेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है सौरभ जैन की तरफ से एंड ऑल्सो मैम अतुल जी की रिक्वेस्ट थी कि आर एस आई स्क्रीनर पर वीडियो बना दीजिए तो मैं कहूँगा कि मैम ने ऑलरेडी कर दिया है वो हम जल्दी लाइव कर देंगे मैंने ऑलरेडी वो वीडियो शूट कर दिया है एंड वो एडिटिंग में है और जल्दी ही लाइव हो जाएगा आई एम सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा इंटरनेट आज हैंग हो रहा है आई डोंट नो वाई लगता है मार्केट का इफेक्ट कुछ इंटरनेट पे भी आ गया है ऐसा कभी कभी हो जाता है सो लेट अस सी ओ माय गॉड आई थिंक आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट प्लीज वे विद मी मैम तब तक uh, एशियन पेंट्स में अगर मैं देखूं तो आरएसआई 70 के ऊपर आज आया है हल्का सा पॉजिटिव क्रॉसओवर की तैयारी भी है सी एक सपोर्ट बन ले रहा है और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर प्राइस जो है डबल बॉटम के पास में है तो डबल बॉटम सपोर्ट लेने की तैयारी में है सी ये लेता है क्या अगर आप बाय भी करते हो तो इसके स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस ओके इसमें हम देखते हैं फिफ्टीन मिनट्स में क्या कहता है फिफ्टीन मिनट्स में सब पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया है और ये भी पॉजिटिव जोन में आ गया है दैट इज़ वॉट आई कैन से सो इफ यू आर ट्रेडिंग एज अ सपोर्ट जो कि मुझे डबल ट्रिपल सपोर्ट दिख रहा है तो यू कैन यूज़ इट और यहाँ पे ये थोड़ा नीचे भी गया है तो इसलिए अब मुझे डबल सपोर्ट लाइन बनानी पड़ेगी बिकॉज इट वॉज अ लाइक अ फेक ब्रेक डाउन क्योंकि इसके नीचे क्लोज दिया था उसका लो तोड़ा पब्लिक ने सबने शॉर्ट किया होगा सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अब मुझे ये डबल लाइन बनानी पड़ती है कई बार आप देखते हो ना डबल डबल लाइन बनती है वो इसीलिए बनती है यस मैम कृष्णा गोपाल जी का है कि इंडिगो पेंट्स पे होने चाहिए सेम वापस पेंट स्टॉक डी पेंस मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है सर हाँ स्ट्रोंग तो नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ रही है चार्ट की काफी मतलब कंजस्टेड टाइप का चार्ट दिख रहा है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक यस वी हैव व्हाट मैम वी हैव एन बाय सुमित तिवारी पी एस यू स्टॉक्स सेम स्टाइल आज जो हो रहा है सबका तो इसमें भी जब मार्केट में से फॉल आते हैं ना तो बहुत बार हमें पता नहीं चलता सेवेंटी के नीचे बंद हुआ ये ये भी डाउन की तरफ हो गया है मे सी डी भी तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेरा सबसे पहला काम ये रहता है कि मैं फिप बना के देखूँ अब यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं एकदम हाई पे एकदम हाँ ये इसको सेट कर दिया और अगर मैं देखूँ तो ये भी थर्टी एट पॉइंट टू से ही आज थोड़ा सा कवरेज लिया है तो अब अग, अगर मंडे को ये थर्टी इसके नीचे खुलता है या इसके नीचे जाता है तो विथ स्टॉप लॉस आई विल टेक अ ट्रेड और अगर यहाँ से घूमता है ओपन लो बनाता है सब चीज़ें वापस पॉजिटिव टर्न लेती है तो आई विल बाय विथ स्टॉप लॉस बिलो द ओपन लो बिकॉज ये जो तरीके से बंद हुआ है एट सपोर्ट लेवल्स वी डोंट नो कि सपोर्ट टूटेगा या रिवर घूम जाएगा मैम अमित पटेल जी ने रिक्वेस्ट किया कि एल के बारे में व्यू चाहिए उन्हें आई हाउसिंग फाइनेंस है कि एल इंश्योरेंस है उन्होंने सिर्फ एल मेंशन किया तो माइट भी एल इंश्योरेंस के हो नहीं एल आई LI देखना है कि एल हाउसिंग देखना है सिर्फ एल हां सेट एलआईसी मैम एलआईसी इंश्योरेंस एलआईसी इंश्योरेंस श्योर अगर ऐसा है तो अमित जी एक बार वापस से कोई बात नहीं बेरिश कैंडल बना है जिसे डार्क क्लाउड कवर भी कहते हैं तो पैटर्न तो बेरिश है बट आरएसआई स्टिल अबाउट 70 एंड एमएसीडी इज आल्सो स्टिल अबाउट 70 सो आई एंड प्रीवियस डे का लो कितना था लो था वन ज़ीरो सेवन वन क्या इसने आज लो तोड़ा है ये मैं आपको ही सिखा देती हूँ आप भी चेक कर सकते हो कि देखिए लो तोड़ा है क्या वन जीरो सेवन वन प्रीवियस डे का यस लो तोड़ा है तो अब अगर आज का भी लो तोड़ता है और ओपन हाई बनता है तो मैं शॉर्ट जा सकती हूँ बट विथ अ स्टॉप लॉस और कैश स्टॉक है तो मे बी आई कैन नॉट गो शॉर्ट आई विल इफ आई हैव अ स्टॉक आई कैन डू पार्ट प्रॉफिट बुकिंग और एल्स आई मे स्किप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग तो सभी लोग कर सकते हैं ना अगर किसी के पास स्टॉक है तो मैंने बहुत बार सबसे सुना है कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक ही साथ सारा प्रॉफिट क्यों बुक करते हैं पार्ट पार्ट करके प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमारी होल्डिंग पावर बढ़ जाती है ना 25 फाइव परसेंट बर्ट कर लो 25 परसेंट कर लो 25 परसेंट कर लो यहाँ तक कि इवन शॉर्ट भी हम करते हैं फ्यूचर्स में उस एक ही लॉट शॉट करते हैं तो उसकी भी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग होती है ये बाइंग में नहीं हो सकती लेकिन शॉर्टिंग में हो सकती है शॉर्टिंग में कैसे हो सकती है कि अगर मैंने एक लॉट शॉर्ट किया है लेटर से लॉट साइज फिफ्टीन हंड्रेड तो मैं मुझे पंद्रह सौ नहीं बेचना मुझे साढ़े सात सौ ही बेचना है तो सेवन हंड्रेड फिफ्टी शेयर्स आई कैन बाइ इन कैश यस ये जरूर है कि इसका एक पूरा पैसा आपके हाथ में होना चाहिए तभी आप पार्ट शॉर्ट फ्यूचर्स में करके खड़े रह सकते हो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और मजे ले सकते हो पैसा कंप्लीट चाहिए बट पॉसिबल है बाइंग में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप शॉर्ट सेल कैश में नहीं कर सकते या सेल कैश में नहीं कर सकते बाय तो कर सकते हैं ना कैश में यस डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन यस मैम हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है उनका है कि RSI और MFI को देखकर ट्रेड लेने वाला जो आपका वीडियो है मैम उसमें उनका एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है RSI एंड MFI तो उसमें उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन है कोई बात नहीं ये जो सेशन है आपने बोल दिया ना जो तो ये सेशन मैं जिस दिन अब ट्यूसडे को आऊँगी उस दिन मैं ये सेशन लूँगी क्योंकि वो दिन जो होता है मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है उसी में मैं पूरा एक घंटा जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करती हूँ और उसी से रिलेटेड स्टॉक्स दिखाती हूँ तो ये आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है मैं एक ट्यूसडे जब भी आऊँगी जनरली मैं प्लान कर रही हूँ महीने में एक ट्यूसडे आने का तो वो एक ट्यूसडे को जब मैं आऊंगी फाइव टू तो सिक्स का लाइव तो उसमें मैं ये टॉपिक जरूर कवर करने की कोशिश करूंगी आप वो मिस मत करिएगा ओके मैम नेक्स्ट प्रदीप जी का डाउट है टाइटन के लिए टाइटन सेम लाइक एशियन पेंट्स राइट यस डबल बॉटम सपोर्ट घूम गया एम को पॉजिटिव क्रॉसओवर देना बाकी रह गया अब इसमें अगर सुपर ट्रेंड लगा के देखें तो सुपर ट्रेंड येट नेगेटिव है लेकिन ये थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ तो सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा सब्जेक्ट टू इसने कल का लो भी नहीं तोड़ा बट कल का हाई भी नहीं तोड़ा ये तो अगर ये कल का हाई तोड़ देता है देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग इट अहेड फॉर बाइंग दूसरा चलिए एक और फिप आज मुझे फिप करने में बड़ा मज़ा आ रहा है पता है क्यों अभी रिसेंटली मैंने फिफ का वीडियो भी तो जो बनाया है तो उसी पे सब स्टॉक कर रही थी तो मैंने कहा आज तो मज़ा आ गया फिफ के अंदर बिकॉज मैक्सिमम स्टॉक्स जब मैं फिफ के सपोर्ट पे देख रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो क्या देख रहे हैं फिफ्टी परसेंट के सपोर्ट के आसपास में ही टिका हुआ है वहाँ से ही घूमा है ना एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली थ्री थ्री और इसका लो है three five zero three, बीस पॉइंट का फर्क है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट के फिब लेवल से घुमा है, दैट्स व्हाट आई कैन से यू, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक? मैम अमित जी का है केपीआई टेक्नोलॉजी, केपीआई आईटी स्टॉक्स अभी तक आज देखिए आरएसआई सेवेंटी के ऊपर, इसमें लेटेस्ट सी वन थिंग मंथली आर एस आई सेवेंटी के ऊपर है मंथली में पूरा कंप्लीट आर एस आई नहीं है फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है वीकली में भी सेवेंटी के ऊपर बन दिया है डेली में भी सेवेंटी के ऊपर बन दिया है विथ पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड आई कैन एक्सपेक्ट अ राइज बिकॉज इसने आज कल का हाई तोड़ा है लो नहीं तोड़ा है आप खुद देख लीजिए इसने कल का हाई तोड़ दिया है वन सेवन टू वन और आज का हाई है वन सेवन थ्री सिक्स कल का लो है 1652, आज का लो है 1671. तो कल का लो नहीं तोड़ा हाई तोड़ा तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये मंडे को हाई तोड़ता है तो स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकती हूँ बट रिमेंबर डोंट ट्रेड विदाउट मैम नेक्स्ट स्टॉक है सुरेश जैसवाल जी ने सजेस्ट किया है अडानी टोटल गैस एल सर पूरा फ्लैट चल रहा है सो आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर आइडिया पूरा फ्लैट चल रहा है आई एम सॉरी मैं पे व्यू नहीं दे पाऊंगी डू वी हैव नेक्स्ट मैम सदन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रियल स्पीक के बारे में बता दीजिए प्लीज सेम फॉर्मेशन देखिए कंटिन्यू डाउन और क्या ये ये मेरा पहला लो है मैं ट्राई करूँ फिफ फिफ के सपोर्ट के पास में है फिफ्टी परसेंट अब ये फिर भी नीचे जा रहा है है ना तो क्या करना है मैं थोड़ा और एक स्टेप नीचे जाती हूँ और देखती हूँ यस ये तो थर्टी एट भी ले रहा है और एक स्टेप नीचे जाती हूँ तो देख क्या देख रही हूँ यस ये थर्टी एट को एग्जैक्ट ले रहा है मतलब इस लेवल में कुछ तो है अगर ये घूम गया

नहीं तो मैं इसको बाय अभी नहीं सोचूंगी अगर है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहूँगी लेटस्ट सी जब अगर ओपन लो खुल गया सपोर्ट से घूम गया तो फिर हम बाय कर देंगे देखिए ऐसा है हम किसी भी स्टॉक के साथ रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं मैंने बाय कर लिया मैं इसे स्टॉप लॉस नहीं करूंगा या इस लेवल पे मैं एग्जिट हो गया तो अब मैं यहाँ से वापस ऊपर नहीं जाऊंगा ऊपर चला गया अभी मैं फिर से बाय नहीं करूंगा बहुत बार देखा गया है कि मैंने 300 में स्टॉक बुक कर दिया फिर वो 600 हो गया नहीं नहीं मैं तो फिर से बाई नहीं करूँगी मैंने स्टॉक को 300 में बेच दिया अरे इसमें पोटेंशियल है मूव करने का बाई कर लो बोले नहीं नहीं हम नहीं करेंगे हमने ऑलरेडी 300 में फिर वो 600 का 800 सौ नौ सौ हज़ार ग्यारह सौ बारह सौ है फिर वो बाई कर लेते हैं तो ये जो चीज़ें होती है तो फिर नहीं करना है तो मत ही करो फिर बीच में से जाके बारह सौ पे वापस है फिर वो फील लेफ्ट आउट फील होना है ना वो गलत हो जाता है राइट तो वो मत करना भूल गया छोड़ दिया परमानेंटली भूल जाओ फिर वापस इसमें फोमो इफेक्ट मतलब अरे लेफ्ट आउट फील मत करो या मैम नेक्स्ट है ब्रिज भूषण अग्रवाल जी ने बोला है कि एमसीएक्स पे व्यू चाहिए उन्हें थोड़ा सा आज इंटरनेट प्रॉब्लम है आ मुझे पता है आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा ना क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा इंटरनेट हैंग हो रहा है देखिए पूरा फ्लैट हो गया है ना ऊपर राइट right? अगर ये यहाँ से गिरता है अगर ये ओपन हाई बनाता है और आर एस आई के नीचे आता है मंडे को प्लस एम एस सी डी का क्रॉस ओवर सुपर ट्रेंड क्या दिखा रहा है मेरा सुपर ट्रेंड ये दिखा रहा है कि यहाँ से अगर ये घूमा तो पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है राइट right? लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया तो देखते हैं अगर यहाँ से घुमा तो मंडे को अगर ये ओपन हाई दिखता है और आपके पास स्टॉक है तो पार्ट प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा ओके okay? मैं हंड्रेड प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करने को कहती हूँ पार्ट क्यों करती हूँ क्योंकि पार्ट प्रॉफिट बुक करने से आपकी बाकी की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है तो आपके पास होल्डिंग पावर आ जाता है और वही पार्ट प्रॉफिट जब वो सपोर्ट के आसपास आता है तो हम फिर से बाय कर सकते हैं इस तरह से हम क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और मान लो वहां से मार्केट और भी ऊपर चला जाता है तो हमारे पास और होता है कि जिसको हम बेच सकते हैं ओके? Okay? यस। yes. मैम श्रीकांत जी का डाउट है कि ओपन हाई एंड ओपन लो प्लीज एक्सप्लेन मैम एंड आल्सो व्यू ऑन एस देखिए ओपन हाई चलिए यहीं पे हम आपको सिखा देते हैं, okay? मैंने भी बड़ा कर दिया आई होप यहाँ पर आपको ओपन हाई लो क्लोज सब दिख रहे होंगे राइट right? अब यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो ओपन क्या है थ्री टू थ्री ज़ीरो और हाई क्या है थ्री टू थ्री टू ओपन और हाई नियर बाय है मतलब इसका ये होता है कि ओपनिंग से ही सेलिंग आ गई थी और स्टॉप लॉस उसके ऊपर होता है लेकिन खाली ओपन हाई को ही मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो सवा नौ से साढ़े नौ के बीच में बहुत सारे ओपन हाई ओपन लो मिलेंगे और दस बजे तक आधे क्या टेन परसेंट भी नहीं बचेंगे सब गायब हो जाएंगे इसलिए सबको नहीं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट प्लेस पे अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट की रिवर्सल कैंडल्स मिलते हैं तभी मैं इनको यूज़ करती हूँ अदरवाइज मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें हमें थोड़ा एक रेजिस्टेंस टाइप का जोन दिख रहा है राइट right? यहाँ से अगर मैं देखूं तो क्या मैं इस पूरे एरिया में एक रेजिस्टेंस टाइप का जोन है मेरे पास राइट right? अब ये रेजिस्टेंस टाइप के जोन के पास में मुझे जब ये कैंडल्स मिलते हैं तो मैं ये काम कर सकती हूँ इसको अगर मैं यहाँ से हटा के थोड़ा और नीचे लेके आती हूँ तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे भी ओपन हाई आया है और अगर इसको भी मैंने शॉर्ट किया होता तो एस एल इसके ऊपर ही होता उसके नीचे नहीं होता राइट right? और ये देखिए अब ओपन लो में यहां पर एक कैंडल है और यहां पर एक कैंडल है ये कैंडल में क्या है अगर मैं इसे ओपन क्या है टू नाइन थ्री जीरो और लो भी है टू नाइन थ्री जीरो इसे हम ओपन लो कहते हैं इसका मतलब ओपनिंग के साथ ही बाइंग आ गई लेकिन मैं सिर्फ उसी को एज इट इज़ नहीं पकड़ूंगी या तो वो सपोर्ट के पास में दिखना चाहिए या हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास दिखना चाहिए विथ लॉन्ग अप दिखना चाहिए और साथ में अगर ये और हायर टाइम फ्रेम्स में भी मुझे पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं तो ही मैं इसके साथ काम करना पसंद करूँगी जस्ट ओपन हाई और ओपन लो इज नॉट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई होप आई एम क्लियर यस मैम मैम सुरेश जयसवाल जी का व्यू है कि मैम योर व्यू ऑन आइडिया प्लीज <laughs> तो मेरा व्यू आइडिया पे अभी कुछ खास है नहीं बिकॉज uh, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन के बीच में फंसा हुआ है एमएससीडी थोड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर ले रहा है आर एस आई वो पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है बट uh, मुझे अगर सच पूछो तो मुझे इसमें कोई खास क्लैरिटी नहीं है या डू वी हैव जिसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है ना फ्रेंड्स उसमें मैं नहीं बता पाऊंगी

बिल्कुल है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देर में बी करेक्शन एम सी डी अभी भी पॉजिटिव जोन में है और अगर इसमें मुझे ओपन हाई मिलता है तो देर कैन बी अ करेक्शन विच विच आई मैं एक्सपेक्ट तो ये जो स्टॉक है मैं अभी इसको शॉर्ट नहीं करूँगी लेकिन अगर ये स्टॉक होगा तो इसमें पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते रहूँगी स्टॉक शॉर्ट इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज अगर मैं हायर टाइम फ्रेम देखूँ तो हायर टाइम फ्रेम्स ऑल आर पॉजिटिव इफ यू सी दैट ऑल आर अबाउ सेवेंटी ऐसी सिचुएशन में मैं इसे शॉर्ट नहीं करूँगी बट पार्ट प्रॉफिट बुकिंग्स करते रहूँगी इवन एम एस सी डी इज इन पॉजिटिव जोन सुपर ट्रेंड एवरी थिंग इज टेलिंग इट इज इन पॉजिटिव जोन यस मैम हमारे साथ गार्गी सिंह जी हैं जिनने रिलायंस uh, इंडस्ट्रीज पे व्यू मांगा है और वो कैरी कॉल ऑप्शन लिया है थ्री थाउजेंड का और कैरी किया है आज ही ऑलमोस्ट ओपन और लो सेम था इफ यू सी देयर इज ओनली जस्ट अ पॉइंट्स डिफरेंस ट्रेंड सारा बुलिश है बट ये हाई टूटेगा तो आगे बढ़ने के हम कुछ सोच सकते हैं ऑप्शंस लिया है तो ऑप्शंस बाय किया है तो एक चीज ध्यान रखिएगा बाय ऑप्शंस अगर स्प्रेड के साथ नहीं है ओपन है तो स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा जनरली मैं जो रखती हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ माई प्रीमियम रखती हूँ कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ तो थर्टी फाइव परसेंट तक अदरवाइज मैं मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर फिफ्टी रख लेती हूँ लेकिन बाइंग फिर टू पार्ट्स में करती हूँ एक पार्ट में नहीं करूँगी तो एवरेज मेरी 25 30% की ही स्टॉप लॉस आएगी या वन वीक व्हिच एवर इज व्हिच एवर कम्स फर्स्ट मैं एग्जिट कर जाऊंगी ओके बाय बिकॉज़ बाय ऑप्शंस है प्रीमियम डीके होगा और अभी नेक्स्ट वीक के बाद और भी स्पीड पकड़ लेगा 15 तारीख के बाद तो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस और वी आर डन बिकॉज़ यस मैम क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं बट uh, मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि नेक्स्ट लाइव में हम ये ट्राई करेंगे कवर करने का एंड नेक्स्ट फ्राइडे जो लाइव होने वाला है हमारा वो काफ़ी स्पेशल होगा मैम ने आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल सोचा है तो आप नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ओके थैंक यू फ्रेंड्स सी यू नेक्स्ट फ्राइडे नमस्ते